निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ने कर्नाटक में विधानसभा चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा कर दी है। सबको पता है कि अब 10 मई को कर्नाटक विधानसभा के लिए वोट डाले जाएंगे और 13 मई को राज्य में मतगणना होगी। और इस घोषणा के साथ साथ राजनीतिक दलों के बीच सत्ता के लिए लड़ाई भी तेज हो गई है। अब एक स्टोरी जो हम आपको बताने वाले हैं वो ये कि क्या बीजेपी राज्य में 4 दशक पुराने चलन को समाप्त करके लगातार 2 बार विधानसभा चुनाव जीतने का रिकॉर्ड बना पाती है या नहीं बना पाती है। सवाल यह भी है कि क्या कांग्रेस सत्ता में लौटकर 2024 लोकसभा चुनाव के पहले अपनी जो एक बड़ी चुनौती है उसको पेश कर पाने में सफल हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। ये बात हम क्यों कह रहे हैं अब आपको ये बता देते हैं। दरअसल कर्नाटक में साल 1985 के बाद से कोई भी राजनीतिक दल लगातार 2 बार विधानसभा चुनाव में जीत हासिल नहीं कर सका है, यानी कि राज्य के जो मतदाता हैं वो हर बार सरकार को बदल देते हैं और ये साल 1985 से चला आ रहा है। भाजपा अब इस इतिहास को बदलने और दक्षिण भारत में अपने गढ़ को बनाए रखने के लिए बेहद उत्सुक है, खूब मेहनत कर रही है, खूब काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चुनावों की घोषणा से पहले वहां कई सारी रैलियां कर चुके हैं, कई सारे कार्यक्रमों में हिस्सा ले चुके हैं। वहीं कांग्रेस 2024 लोकसभा चुनाव में खुद को एक मजबूत दल के तौर पर स्थापित करने के लिए और अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल और हौसला बढ़ाने के लिए इस राज्य में सत्ता पाने की इच्छुक है। कर्नाटक के रिकॉर्ड के साथ ही इस बात पर भी नजर रखने की जरूरत है कि क्या पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा के नेतृत्व वाला जनता दल सेक्युलर किसी भी दल को, किसी भी पार्टी को अगर पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो इसका रोल क्या होगा, यानी कि JDS का रोल क्या होगा। और कई सारे जो राजनीतिक पंडित हैं वो तो ये मानते हैं कि अगर एक बार फिर JDS को कुछ ज्यादा सीटें मिली तो वो राज्य में किंग मेकर के रूप में उभर आएगा। कांग्रेस और JDS ने 124 और 93 सीटों के लिए अपने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची राज्य विधानसभा चुनाव के लिए जारी कर दी है। पिछले 2 दशकों की अगर बात की जाए तो कर्नाटक में 10 मई को होने वाले चुनाव में इस बार भी उम्मीद है कि त्रिकोणीय मुकाबला ही देखने को मिलेगा। अधिकतर कर्नाटक के क्षेत्रों में कांग्रेस, भाजपा और JDS के बीच सीधी लड़ाई है, लेकिन इस लड़ाई में कई सारी छोटी छोटी पार्टियां भी इस बार कूदना चाहती हैं। 2023 में आम आदमी पार्टी और अन्य कई छोटे दल भी इस कोशिश में लगे हैं कि राज्य में अपनी कुछ पैठ बना सकें। जहां आम आदमी पार्टी ने कहा है कि वो अकेले दम पर राज्य की अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो वहीं कई दूसरे छोटे दल जैसे कि खनन कारोबारी जनार्दन रेड्डी का कल्याण राज्य प्रगति पक्ष, जिसे कि KRPP भी कहा जाता है, वाम पार्टियां, लेफ्ट पार्टियां, बहुजन समाज पार्टी, SDPI यानी कि प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, PFI की राजनीतिक शाखा जो है वो भी, और असदुद्दीन ओवैसी की नेतृत्व वाली ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुसलमीन यानी कि AIMIM, ये भी राज्य में चुनाव लड़ने की बात कर चुके हैं और कुछ चुनिंदा सीटों पर ये चुनाव लड़ेंगे। लेकिन ये साफ है कि जब ये चुनाव लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने का असर तो पड़ेगा ही। और कर्नाटक में अगर बात की जाए तो चुनाव में सत्ता विरोधी लहर, जिसे कि एंटी इनकम्बेंसी कहा जाता है, वो हमेशा एक मजबूत पक्ष बन जाती है। और कई सारे राजनीतिक पर्यवेक्षक ये मानते हैं कि कर्नाटक में सत्ता विरोधी लहर इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है और उसी के कारण से साल 1985 के बाद से राज्य में कोई भी पार्टी लगातार 2 बार चुनाव नहीं जीत सकी है। मतदाताओं ने किसी भी पार्टी को लगातार 2 बार राज्य में जनादेश नहीं दिया, और जो आखिरी बार हुआ था जैसा हमने आपको बताया वो साल 1985 में हुआ था, जबकि रामकृष्ण हेगड़े के नेतृत्व वाली जनता पार्टी सत्ता में वापस आई थी। अब हाल ये है कि पुराने मैसूर, जिसे कि दक्षिण कर्नाटक का इलाका कहा जाता है, वहां के वोकालिंगा क्षेत्र में JDS का मजबूत दबदबा है। वहीं बीजेपी और कांग्रेस के वोट बैंक की बात करें तो बीजेपी का वोट बैंक उत्तर और मध्य क्षेत्र में, वहीं कांग्रेस का वोट बैंक पूरे राज्य में थोड़े थोड़े तरीके से फैला हुआ है। बीजेपी की अगर खास तौर पर बात की जाए तो उसका वोट बैंक राज्य के उत्तरी और मध्य क्षेत्र में वीर शैव और लिंगायत समुदाय में बहुत मजबूत है, और इसी के कारण कहा जाता है कि बीजेपी ने अपने दक्षिण के द्वार को खोला था। कर्नाटक की कुल आबादी में लिंगायत करीब 17% हैं, वहीं वोकालिंगा 15% हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग जिन्हें OBC कहा जाता है वो 35%, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति 18%, मुस्लिम करीब 13% और ब्राह्मण करीब 3% हैं, और इसी कास्ट इक्वेशन को हर पार्टी साधने की कोशिश करती है। बीजेपी की कोशिश है कि वो इतिहास बनाए, और इसीलिए वो चाहते हैं कि 2018 जैसी स्थिति ना बने जहां बीजेपी ने
अपने लिए टारगेट बनाया है कि वो कम से कम 150 सीटें जीतना चाहते हैं। 2018 जैसी अगर स्थिति हो गई जब पार्टी शुरुआत में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी, सबसे बड़ी पार्टी बनकर बीजेपी सामने आई थी, उसके बावजूद वो सरकार नहीं बना सकी थी और से सत्ता से वापस आने के लिए, सत्ता में वापस आने के लिए कांग्रेस और जेडीएस के विधायकों के दल बदल पर निर्भर रहना पड़ा था। तो अब क्या कर्नाटक का इतिहास खुद को दोहराता है, यानी कि एक बार फिर राज्य में सत्ता बदलती है या फिर बीजेपी इस इतिहास को बदलने में कामयाब हो पाती है, ये तो राज्य के मतदाता तय करेंगे और उसका परिणाम हमें पता चलेगा 13 मई को। लेकिन इतना जरूर साफ है कि कर्नाटक 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले कांग्रेस या बीजेपी, इन दोनों ही पार्टियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।